आज मैं आ चुका हूँ इंडिया की सबसे फेवरेट फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ और मैं आ गया हूँ TVS की iQube के साथ, क्योंकि TVS ने iQube के अंदर एक बड़ा अपडेट लेकर आ गए हैं जहाँ पर उन्होंने वेरिएंट्स बढ़ा दिए हैं। पहले 2 वेरिएंट्स आते थे बट अब TVS iQube के अंदर 5 वेरिएंट्स आते हैं। पहला वेरिएंट जो है यानी बेस वेरिएंट जो है वो ये है 2.2 बैटरी पैक वाला। अब इसके अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं, देखिए इसके अंदर उन्होंने बैटरी को तो चेंज कर दिया है और एक ऐसा अफोर्डेबल स्कूटर बना दिया है ताकि सभी लोग इस स्कूटर को अफोर्ड कर सके, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। कितना प्राइस है उस पर बात करेंगे, बट अगर आप लोग यहाँ पर करीब आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि स्कूटर के अंदर चीज़ें क्या मिलती हैं। देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा फर्क यह है कि अगर ये बेस स्कूटर है तो इसके अंदर ये नॉर्मल की मिलती है जिस तरीके से आप लोग को स्कूटर के अंदर मिलती है। बाकी यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 5 इंच का TFT डिस्प्ले मिलता है जो कि कलर्ड डिस्प्ले है और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर स्विच देखेंगे आप लोग कुछ इस तरीके से मिलते हैं, लाइट के, हॉर्न के, यहाँ पर पार्किंग लाइट्स के और यहाँ पर मोड्स के, जिससे ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अब लुक्स वाइज अगर बात करते हैं तो 2.2 वाला जो वेरिएंट है बैटरी पैक के साथ जो आता है किलोवाट आर वाली, इसके अंदर आप लोग को 2 कलर ऑप्शंस मिलते हैं। एक हमारा कलर ये सामने खड़ा है जो हम सामने लेके खड़े हुए हैं, तो ये 2.2 किलोवाट आर की बैटरी पैक के साथ आता है। इसके अंदर 2 कलर ऑप्शंस आते हैं। स्कूटर के अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं, इसके अंदर वही ब्रेक्स मिलती हैं जो कि डिस्क ब्रेक के साथ ही आती है, अलॉय व्हील्स इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी इसके अंदर बूट स्पेस जो है वो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि बूट स्पेस के अंदर कितना मिलता है। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फ्यूल टैंक नहीं होता है तो यहाँ पर अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो कुछ इस तरीके से मिल रहा है, कितना बड़ा बूट स्पेस है जो कि 30 लीटर्स का है। ये 30 लीटर्स का बूट स्पेस इस TVS iQube 2.2 किलोवाट आर वाली बैटरी पैक के साथ जो है उसके साथ मिलता है। अंदर इस तरीके से चार्जर भी पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये चार्जर है, पोर्टेबल चार्जर है जो स्कूटर के अंदर आ चुका है और साथ ही आप लोग हेलमेट वगैरह भी रख सकते हैं, तो काफ़ी सारी इसके अंदर जगह दी गई है। बाकी यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया गया है जिससे स्कूटर चार्ज होती है। बाकी यहाँ पर कुछ हुक्स वगैरह दिए गए हैं और नीचे यहाँ पर हमें हुक्स मिल जाते हैं जैसे TVS iQube के अंदर मिलते हैं। अब अगर बात करते हैं रेंज की, देखिए स्कूटर की अगर बात करते हैं कि ये स्कूटर जो है ये 2.2 किलोवाट आर की बैटरी पैक के साथ आती है, अब इसकी रेंज कितनी मिलती है, इसके अंदर जो रेंज है वो रियल वर्ल्ड की रेंज 75 किलोमीटर की मिल जाती है। मतलब ये है कि ये स्कूटर जो है 75 किलोमीटर चलती है जब आप लोग इसको रियल वर्ल्ड में चलाते हैं। ये क्लेम्ड रेंज नहीं है बल्कि रियल वर्ल्ड है जो कि ट्रू रेंज कहलाती है, क्योंकि आप लोग स्कूटर चलाने से मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है। अब इस स्कूटर की टॉप स्पीड 78 किलोमीटर पर आर की है क्योंकि 2.2 किलोवाट आर की बैटरी पैक के साथ आती है। इसके अंदर 78 किलोमीटर की आसपास बैटरी की इसकी स्कूटर की जो है टॉप स्पीड मिल जाती है। स्कूटर के अंदर फीचर्स कौन से मिलते हैं, इसके अंदर TFT डिस्प्ले मिल जाता है, 5 इंचेस का ये डिस्प्ले है जिसके अंदर कलर डिस्प्ले है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आती है, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। बट कनेक्टिविटी इसके अंदर नहीं मिलती है, कनेक्टिविटी के लिए हमें 5.1 वाले बैटरी पैक के साथ जाना पड़ेगा जहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स मिलते हैं और वो फीचर्स जो हैं उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि स्कूटर का प्राइस कितना है। ये 2.2 किलोवाट आर का जो बैटरी पैक है ये 94,999 का पड़ता है अगर आप लोग इंडिया में खरीदते हैं, बट अगर आप लोग दिल्ली में खरीदते हैं तो आप लोग को अलग से 10,000 रुपये की तकरीबन जो है वो सब्सिडी मिल जाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है। इसीलिए स्कूटर का जो प्राइस है वो 84,999 का पड़ता है अगर आप लोग इसको दिल्ली के अंदर खरीदते हैं, और ये इंट्रोडक्टरी ऑफर्स हैं जो कि टाइम के बाद चेंज हो जाएंगे। तो फिलहाल ये है TVS की iQube इलेक्ट्रिक 2.2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ जो आई है। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि 5.1 वाली जो आई है जो कि ST के नाम से आई है, TVS iQube ST, उसके अंदर 2 तरह के वेरिएंट्स आए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि TVS iQube में पहले 2 वेरिएंट्स आते थे, अब 5 वेरिएंट्स आते हैं, तो 3 वेरिएंट्स नए आए हैं जो कि 2.2 वाला ये मेरे सामने खड़ा है और यहाँ पर खड़ा है ST वेरिएंट जो कि 5.1 किलोवाट आर बैटरी के पैक के साथ आता है, और साथ ही एक 3.4 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ भी एक वेरिएंट निकाला गया है। क्या फ़र्क है उसके अंदर, आइए ज़रा 5.1 वाले वेरिएंट की तरफ चलते हैं, TVS iQube ST की तरफ चलते हैं, फिर आपको बताते हैं कि क्या डिटेल्स के अंदर मिलती हैं। तो अब मैं आ चुका हूं उस स्कूटर के साथ। अभी तो मैंने आपको बताया कि 2.2 किलोवाट आर बैटरी पैक के साथ जो स्कूटर आता है TVS iQube का, वो वेरिएंट मैंने आपको दिखा दिया। बट अब मैं आपको दिखाने वाला हूं वो स्कूटर जो सबसे ज़्यादा डिमांड में है और उसके अंदर इंडस्ट्री की सबसे बड़ा बैटरी पैक मिलता है, यानी 5.1 किलोवाट आर का बैटरी पैक दे रहा है TVS, जो कि अभी तक किसी भी ब्रांड ने नहीं दिया है, चाहे वो ओला हो, एथर हो,
कोई भी इतना बड़ा बैटरी पैक नहीं देता है जो कि अब TVS iQube के साथ आप लोग को मिल रहा है। ये 5.1 वाला किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है, ये वेरिएंट 5.1 है। अगर आप लोग ST खरीदते हैं तो 5.1 के साथ जाइएगा, क्योंकि दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं ST के अंदर, एक 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है, एक 5.1 के साथ आता है। यह है 5.1 वाला। इसके अंदर मेजर क्या डिफरेंसेज है, इसके अंदर कलर में डिफरेंसेज आते हैं, इसके अंदर चार कलर ऑप्शन आ जाते हैं, साथ ही इसके अंदर यहाँ पर ST की बैजिंग मिल जाती है। दूसरा, इसके अंदर यहाँ पर 7 इंच का यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ये बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है। अगर आप लोग बेस मॉडल खरीदते हैं 2.2 वाला, उसके अंदर टच स्क्रीन नहीं मिलती है, बट यहाँ पर जो TVS iQube का ये 5.1 वाला वेरिएंट है, इसके अंदर आप लोग को यहाँ पर 7 इंच का बड़ा टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाता है, जिसके अंदर 118 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, टर्न बटन नेविगेशन मिल जाते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाते हैं। इस तरीके से कई सारे फीचर TVS iQube 5.1 के अंदर दे दिए गए हैं। अब इस स्कूटर के अंदर मेजर चेंजेस एक ये भी है कि इसके अंदर आप लोग को जो है फ्लिपेबल की मिलती है। अगर आप लोग ये वाला वेरियंट खरीदते हैं तो यहाँ पर आप लोग को फ्लिपेबल की मिल जाती है, जो कि आप लोग को उस वेरियंट के अंदर यानी 2.2 के अंदर नहीं मिलती है। अब इसके अंदर एक 3.4 वाला भी वेरिएंट आता है, उसके अंदर क्या फर्क होते हैं, ST ही है बट 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है। उसके अंदर फर्क ये है कि वहां पर आप लोग को 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलती है, बट अगर आप लोग 5.1 वाले के साथ जाते हैं तो आप लोग को 150 किलोमीटर्स की रियल वर्ल्ड रेंज मिलती है, जो कि इस स्कूटर के साथ मिलती है। अब स्कूटर का मैं आप लोग को एक और बड़ा चेंजेस दिखाता हूं, और वो चेंजेस ये है कि स्कूटर के अंदर 32 लीटर्स का यहां पर बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, तो डिफरेंस मेजर ये हुआ कि इसका बूट स्पेस भी ज़्यादा बड़ा है, कलर ऑप्शंस भी ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा कनेक्टिविटी फीचर्स मिल रहे हैं, टच स्क्रीन मिल रही है, फ्लिपेबल स्क्रीन मिल रही है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट बनाती हैं ST 3.4, 5.1 और 2.0। तो अब बात करते हैं भैया इसके प्राइस की। अब ये स्कूटर तो हमने ST दिखा दिया है, लेकिन इसके अंदर दो तरह के वेरिएंट्स आते हैं, एक 3.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आता है, एक 5.1 के साथ आता है। अब सामने खड़ा है जो वेरिएंट, ये 1,38,000 रुपीज़ का है अगर आप लोग 3.4 में खरीदते हैं, वहीं अगर आप लोग 5.1 वाला खरीदते हैं तो वो पड़ता है 1,85,000 रुपीज़ का। तो ये हो गया प्राइस में डिफरेंस। फीचर में डिफरेंस मैंने बता दिया है कि भैया इसके अंदर आप लोग को बड़ी टच स्क्रीन मिल रही है, कलर ऑप्शन ज़्यादा मिल रहे हैं, ST की बैजिंग मिल रही है, बड़ा बूट स्पेस मिल रहा है, ये सारे चेंजेस तो स्कूटर के अंदर मिल ही रहे हैं, बाकी ज़्यादा रेंज मिलेगी और चार्जिंग टाइम में भी फ़र्क मिलेगा। अगर आप लोग ST 5.1 को चार्ज करते हैं तो 0 से 80% 4 घंटा 18 मिनट लगता है, वहीं अगर आप लोग 2.2 वाली बैटरी पैक को, यानी जो मेरे सामने उधर खड़ी हुई है स्कूटर, उसको अगर आप लोग चार्जिंग में लगाएंगे तो वो 2 घंटे में 0 to 80% चार्ज हो जाती है। वहीं अगर आप लोग 3.4 वाला ST का वेरिएंट खरीदते हैं तो वो आप लोग को तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास 0 to 80% चार्ज हो जाता है। तो ये है मेजर डिफरेंसेस। और आज ही स्कूटर जो है फाइनली प्रोडक्ट का अनवील हो चुका है दिल्ली के अंदर, और हमने TVS iQube के बारे में बता दिया है कि अब 5 वेरिएंट्स में आने लगी है। प्राइस स्टार्ट हो रहा है 84,999 से, इंट्रोडक्टरी प्राइस है अगर आप लोग दिल्ली में खरीदते हैं, बट अगर आप लोग किसी और स्टेट से हैं तो ये 94,999 का पड़ता है किसी और शहर से अगर आप लोग खरीदते हैं। बाकी डिलीवरीज जो हैं अगले 15 दिन के अंदर इंडियन मार्केट में स्टार्ट हो जाएंगी और ये स्कूटर रेडिली अवेलेबल हो जाएगी। अभी स्कूटर जो है ट्रांजिट में है, शोरूम में पहुंच रही है, बहुत जल्द स्टेशन पे पहुंच जाएगी, आपके शोरूम से पहुंच जाएगी, वहां पर आप लोग जाके टेस्ट राइड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, इनमें से 5 वेरिएंट में से कोई भी स्कूटर अपने लिए खरीद सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही था, जहां पर मैंने बता दिया है भैया TVS iQube 5 वेरिएंट में आने लगी है, क्या नए डिफरेंसेस हैं, क्या फीचर्स उसके अंदर मिल रहे हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मोटरनॉमिक्स पहली बार आए बटन दबा के सब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि हम इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहते हैं। आज की इस वीडियो में यही था, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा मोटरनॉमिक्स1 डाल के, जहां पर हम आपके लिए इस तरह के अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।